नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नए अपडेट के साथ। और ये वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है दामोदर घाटी निगम की ओर से, यानी कि डीवीसी की ओर से। ये जो आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होने वाला है, पूरा पूरा एकदम प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होने वाला है दोस्तों। और इसमें आपको काफी अच्छी फैसिलिटी और सैलरी, तो कम से कम 65-70 के समथिंग में ग्रॉस सैलरी बनने वाला है। तो आइए इसका जानते हैं पूरा विस्तार से कि कब आया है ये बहाली, कब से स्टार्ट करना क्या है। ये बहाली आया है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की ओर से। और देखिए ये बहाली का जो नोटिफिकेशन का नंबर है वो ये है, 5 जून को ये नोटिफिकेशन हुआ है और ये फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें आपको कहीं भी आपका जो ज्वाइनिंग है वो किया जा सकता है। यहाँ देखिए जैसे कि वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बहुत जगह इनके प्लांट है, जहां भी जहाँ खाली होगा वहां जो आपका है वो जॉब आपको मिल सकता है, ज्वाइनिंग वहां मिल सकता है। ये बिल्कुल फ्रेशर के लिए है, डिप्लोमा जो भी बच्चे पास हुए उनको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, एकदम फ्रेशर बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एकदम अच्छा फॉर्म है, काफी बेहतरीन मौका। और अगर आप तैयारी करते हैं तो ऐसा फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आइए और हम बढ़ते आगे देखते हैं। देखिए ये फॉर्म आपको जो भरना है वो आपको यहाँ से भरना, देखिए www.dbc.gov.in से कैरियर में जाके, रिक्रूटमेंट में जाके, वहां से आपके सब कुछ का डिटेल जो है वो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक बार। देखिए जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू मैकेनिकल कुल 14 सीटें हैं, जनरल में 9 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। जूनियर जेई ग्रेड टू इलेक्ट्रिकल कुल 20 सीट है, जेई ग्रेड टू सी एंड आई लिखा हुआ है इसमें कुल 2 सीट है। जूनियर ग्रेड टू सिविल में 20 सीट है, जूनियर ग्रेड टू कम्युनिकेशन में 2 सीट है और माइन सर्वेयर में यहाँ पे 4 सीट है। माइन सर्वेयर का जो एज है वो दिया हुआ 18 से 30 साल तक, आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो जेई जो है मतलब कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल कम्युनिकेशन और सी एन आई वाला, इनका जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल है। इस पे आपको छूट मिल जाएगा एज अ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए सबसे मेन सैलरी की बात करते हैं, यहाँ आपका जो बेसिक पे बनने वाला वो 35,400 से 1,12,400 तक जाएगा। टेबल 6 का रहने वाला जॉब यहाँ पे आपका 35,000 बेसिक है, यानी कि उसका 50% आपके इसमें ऐड होगा डीए, मतलब कि लगभग आपका 50% डीए, 30% एचआरए और बहुत मिला लगा सैलरी 60+ या 65+ ही आपका सैलरी बनने वाला है, इतना आपके अकाउंट में आने वाले दोस्तों। काफी बेहतरीन सैलरी है और टेबल 6 का जॉब है दोस्तों, काफी बढ़िया जॉब है। हाँ तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। देखिए अगर आपको भरना है जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू मैकेनिकल में, तो आपको उसमें आपको चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए इन मैकेनिकल में चाहिए। और जो आपका डिप्लोमा में है वो अगर आप जनरल से फॉर्म भरेंगे तो आपको होना चाहिए 65% से ज्यादा होना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो एस सी एस टी और जो हैंडीकैप है उनके लिए 60% मार्क्स आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। यही सेम कंडीशन आपका जूनियर ग्रेड टू ये इनका भी है, जूनियर ग्रेड टू सी आई का भी है, जूनियर ग्रेड टू सिविल का भी, आपको लगभग सभी का यही है, लेकिन बस माइनिंग वाला का चेंज है। आपको यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा भी यहाँ पे होना चाहिए और प्लस में आपका 65% से ज्यादा होना चाहिए। सेम से यहाँ भी आपका 3 इयर्स का फुल टाइम होना चाहिए, प्लस में आपको 65% से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, हाँ जो लास्ट था माइंस सर्वेयर का, तो इनका देखिए इनका क्या है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका आप 50% से कम, आपका 10th में आपको 65% से ज्यादा होना चाहिए। प्लस में सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक कंपेटेंसी इशूड बाई डीजीएमएस के द्वारा, अगर आपके पास में सर्वेयर का सर्टिफिकेट है सर्वेयर का, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल है। और क्या है,
या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए आपके पास में, या माइनिंग सर्विंग होना चाहिए, माइनिंग एंड माइंस सर्विंग होना चाहिए विथ नॉट लेस देन, यानी इसमें भी आपको 65% मार्क्स चाहिए ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को और एनसीएल को, और एस सी एस टी हैंडीकैप को 65%, यानी अगर आप माइनिंग से है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप टेंथ से जिसमें आपका 65% मार्क्स है टेंथ में और प्लस में आपका डीजीएमएस के द्वारा सर्वेयर का सर्टिफिकेट है तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों और बढ़ते आगे देखते हैं एज, एज का जो है यहाँ पे लिमिट वही बता, आपको 18 चाहिए, 28 साल तक, 18 से 28 साल तक आपको चाहिए, और जो सर्वेयर का है उनका 18 से 30 साल तक के लिए चलेगा। और आगे देखते कुछ में ऐसा इंपॉर्टेंट होगा तो हाँ, देखिए इसमें एक और है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए चाहिए होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ताकि आपका जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाएगा। तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए 50% आपका जो भी पेपर होगा, मतलब कि अगर आपके 100 सवाल के पेपर होते हैं उसमें आपको 50 नंबर लाएंगे तो ही आप पास होंगे, और जो एस सी एस टी और हैंडीकेप उनको 40 नंबर लाना कंपल्सरी है तो ही वो जो है वो पास होंगे। और इसमें कहीं एक बात नहीं करता, दिखाते हैं हम। हाँ, और हम बात कर लेते हैं फीस का। तो जो फीस है वो फीस है 300 रुपया लगेगा फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लगेगा, और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगा, और जो हमारा जो एस सी एस टी भाई जो है और जो हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन जो है, सो इन सभी का जो फीस है वो माफ है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आपको एक तो एग्रीमेंट साइन करना कि इनका 1 साल का जो होगा पहले वो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको 3 साल तक, मतलब कि आपको 3 साल तक यहाँ पे सर्विस देना होगा, मतलब ओवरऑल 4 साल तक। अगर आप ज्वाइन करके 4 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपया जो बॉन्ड है वो आपको भरना पड़ेगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो 2 लाख का बॉन्ड है वो भरना पड़ेगा अगर आप 4 साल से पहले छोड़ते तो। पर इतनी अच्छी डिपार्टमेंट में होने के बाद कोई दोस्तों छोड़ता नहीं है, यहाँ पे जनरल जो कंडीशन है वो सब यहाँ पे है। एक बार बात कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन का। सीपीटी आपको होने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन आपको सब कुछ करना है। यहाँ पे देखिए 5 तारीख से आपका फॉर्म हो गया स्टार्ट, हम भी फॉर्म भरने का पूरा वीडियो अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और 4 तारीख तक रात के 11 बजे आपका 4 जुलाई तक ये फॉर्म चलने वाला है, आपको यहाँ से फॉर्म को फिलअप करना है अंदर जाके। हम खैर इसका लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, सिलेबस देखिए सिलेबस सिलेबस एक बार हम एग्जाम पैटर्न का बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो आपको पेपर आने वाला है कैसे आएंगे हम एक बार उसका बात कर लेते हैं। देखिए जो आपके आएंगे पेपर, आपके पेपर इसमें कुल 2 पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट आएगा देखिए यहाँ पे जो पार्ट 1 आएगा उसमें आपको आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के आएंगे उसमें, यहाँ पे स्टेप्स आएंगे उसमें। और जो पार्ट 2 होगा उसमें जो आपका जो ब्रांच का जो पेपर है वो उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है 0.25 जो आपकी है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली है। और तो यहाँ पे आपको आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो जो आपका पहला जो होगा पेपर वो आपको 30 नंबर के आएंगे, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और GAT करके यानी कि इस सब आएंगे। और जो 70 नंबर के पेपर आएगा वो आपको जो आपका ब्रांच है अपना उससे आएगा। टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और आपको जो है 1 मार्क्स आपको प्रत्येक सही के लिए मिलेगा, और 0.25 जो है आपको वो हर एक गलती पे काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे जो सिलेबस आने वाला है उसको पूरा अच्छा से डिटेल में दिया, काफी अच्छा शॉर्ट सिलेबस है इनका, काफी ज्यादा
लेंदी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका रीजनिंग का, ये है आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, और ये है आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस। हो गया। इसके बाद जो भी आपका अपना ब्रांच है उससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये है इनका मैकेनिकल ब्रांच के लिए सिलेबस, और ये रहा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए सिलेबस, ये रहा सीएनआई ब्रांच के लिए, और ये रहा सिविल के लिए सिलेबस। इनका काफी डिटेल में इन्होंने अपना दिया हुआ सिलेबस, और एकदम अच्छे से है, जो होता है जेन्युइन अच्छा सिलेबस दिया हुआ है। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन का सिलेबस, देखिए हो गया। ये हो गया हमारा माइंड सर्वेयर का सिलेबस। बस यही था तो दोस्तों इसमें, और कुछ खास रहा नहीं। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, और आप इसको जाके वेबसाइट पे अप्लाई कर देंगे। इसका अप्लाई लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी कंफर्म मिल जाएगा। इसका फॉर्म भरने का पूरा डिटेल वीडियो में आपको देंगे, और ये जो है फॉर्म वो 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है, तो लेट ना करते फॉर्म को फिलअप कर देना है। और काफी अच्छी वाली है, जो बच्चा टेक्निकल का तैयारी कर रहा है उसके लिए काफी अच्छी। इसमें एक बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो जो बच्चे की जो बच्चे के पास यानी कि जिसके पास एक के पास ये है और एक के पास में अगर इससे हायर क्वालिफिकेशन है, बीटेक है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है इसमें। सिर्फ सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफी एक बेनिफिट वाला पॉइंट है कि आपको जो फाइट होने वाला कॉम्पिटिशन वो बस डिप्लोमा वाले से ही होना है। बीटेक एमटेक का इसमें कोई फाइट नहीं रहेगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। आई आपसे उम्मीद है कि जाके इस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। सीटें काफी अच्छी है, आप अगर मेहनत से एकदम मन लगा के करेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो तब तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस फॉर्म भरने का पूरा डिटेल वीडियो आपको दे देंगे आपको चैनल। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।